गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है। बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको सिंपल सा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाला विषय है कि इसमें बोला है समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसके दो भुजाएं बराबर होते हैं, तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा बराबर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु, मतलब समान दो बाहु। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है हम लोग इस प्रकार बना लिए। तो मान लेते हैं इसमें उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये भी 12 है, ये भी 12 सेंटीमीटर का है, तो तीसरा भुजा क्या होगा यह आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो इसमें 12 का परिमाप दे दिया गया है। अब परिमाप क्या होता है आप लोग सभी को पता है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं। परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योगफल। तीनों का योगफल होता है परिमाप, तीनों भुजाओं का योगफल होता है परिमाप। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी आपको दे दिया गया है बराबर 30। तो मान लेते हैं a का वैल्यू आपका 12 हो गया, b का वैल्यू अगर 12 है तो c कितना होगा वो आपको निकालना होगा। तो c कितना होगा, 12 और 12 यहां 24 हो गया, प्लस c बराबर 30। तो c बराबर 30 माइनस 24 तो हो गया 6। तो c का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये निकल गया। इसी तरह से आप लोगों को निकाल लेना है तीसरा भुजा। अच्छा, अब आप लोगों को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को पहले एस निकालना होगा। एस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का माप ऑलरेडी दे दिया गया है 30, तो हम लोग लिखेंगे सिर्फ 30 बटा दो, इसको काट देंगे तो 15, तो एस हो गया 15 सेंटीमीटर, यह निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एस माइनस ए। S का वैल्यू 15 है, A का वैल्यू कितना हो गया, A का वैल्यू हो गया आपका 12, तो यहां हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। फिर S माइनस B कितना होगा, 15 माइनस 12, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो फिर S माइनस C कितना होगा, 15 माइनस 6 यानी 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C और उसके साथ S को भी निकाल लिए। अब हम लोग को करना यह है कि हम लोग को फॉर्मूला में जस्ट इसको बैठा देना है। तो एस का वैल्यू क्या हुआ, 15, एस माइनस ए हो गया 3, एस माइनस बी हो गया 3, एस माइनस सी हो गया 9, अंडर रूट में लिखेंगे। अब 15 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 पचे 15 हो गया, 3 को हम लोग 3 ही उतार देंगे फिर ये भी 3 उतर जाएगा। यहां पर 9 को तोड़ेंगे, 3 तिया 9 होता है, अंडर रूट। क्या वो 3 है, गिन लेते हैं 1 2 3 4, एक 3 शेष फल रह जाएगा, 4 को 3 है मतलब 2 को 3 लिखेंगे, 5 क्या वो है, एक ही तो है और 3 भी अकेला है, तो रूट में हम लोग 5 गुना 3 को लिख देंगे, तो 3 तिया हो गया 9 और रूट 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी क्षेत्रफल आसानी से निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मैथ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को इससे जुड़े कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द हो इसका रिप्लाई आप लोगों को देने का। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कॉमेंट अवश्य कीजिए, और अगर चैनल में न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करने मत भूलिए, इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूं और आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय।